रेट्रो स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11 का सिल्क रोड का फुल समरी देखेंगे। स्टोरी का समरी स्टार्ट करने से पहले इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट द ऑथर। जो ऑथर हैं वो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और एक इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट भी। जो सेकेंड कैरेक्टर है सीतन, वो कार का ऑनर है जो कि लोग हायर करके जर्नी करते हैं। कार को जो ऑथर हैं वो हायर किए होते हैं जर्नी के लिए, और ये सेतन जो है वो एक टूरिस्ट गाइड भी है। थर्ड कैरेक्टर आपका है डेनियल, वो एक इंटरप्रेटर रहता है लहसा से, और वो अधिकांश समय ऑथर के साथ ट्रैवल करने में व्यतीत करता है। आइए इस स्टोरी का समरी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस कहानी में जो ऑथर हैं उनका नाम है निक मिडिल्टन, और वो इस कहानी में अपने जर्नी के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि माउंट कैलाश के लिए होता है, और वो भी सिल्क रोड में। सबसे पहले हमें जानना है कि सिल्क रोड है क्या। जो पहाड़ी इलाका होता है उसमें जो रास्ते होते हैं कंकड़ भरे पत्थर भरे, वो सिल्क रोड होता है। और अपने इस कोरा को कंप्लीट करने के लिए ऑथर के मन में एक ही ख्वाहिश होती है कि वो माउंटेन कैलाश पे जाए, और इसी के लिए वो सेतन से उसका कार हायर करते हैं और उनसे कहते हैं कि एक ड्राइवर का भी बंदोबस्त कर दो जो कि हमें उस पर्वत तक पहुंचा सके। जब वो लामो से दूर जा रहे थे तो उन्होंने एक लॉन्ग स्लीव्ड सिप स्किन कोट रिसीव किया, और उनका कंपेनियनशिप पाने के लिए जो ऑथर हैं वो डेनियल को अपने साथ डार्चेन में लेके जाते हैं। डार्चेन एक जगह है जिसे हम लोग विश्राम स्थल भी कह सकते हैं धर्मशाला के रूप में, जो कि थोड़ा सा गंदा भी होता है। फाइनली इनकी जर्नी स्टार्ट होती है माउंट कैलाश के लिए। जो सेतन रहता है वो साउथ वेस्ट से शॉर्टकट लेता है और कहता है कि ये डायरेक्ट रूट है माउंट कैलाश के लिए, और ये भी कहता है कि जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है माउंट कैलाश पे, वहां पे जाने के लिए बहुत सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत और पासेस को भी क्रॉस करना होगा। सीतन जो रहता है वो एश्योर करता है सबको कि चूंकि स्नोफॉल हुआ नहीं है और आसानी होगा इसी रास्ते से जाने में। उस रास्ते पे जब वो लोग चलते गए आगे तो एक गैजल का झुंड था। गैजल मतलब बारहसिंघे का झुंड था, और जो जंगली गधे थे वो भी दिखाई दिए, शेफर्ड भी दिखाई दिए। That were tending the flocks. Next, वहां पे पहुंचने के बाद वो लोग डार्क टेंट नोटिस किए, और उन्हें ये पता चला कि जो लोग वहां पे हैं वो नोमैड्स हैं, उन्हीं का घर है। जो टेंट रहता है उसको घर बताया गया क्योंकि वहां पे नोमैड्स रह रहे होते हैं, तो उनके घर के आगे गार्ड करने के लिए तिब्बतियन मस्टिफ रहता है। ये तिब्बतियन मस्टिफ कुत्ते का एक नस्ल है जो कि वहां पे बंधे रहते हैं। जैसे ही ऑथर और उनके जो साथ जो लोग थे उस टेंट के पास पहुंचते हैं तो जो कुत्ते वहां पे बंधे रहते थे वो बहुत तेजी से कार के पीछे दौड़ने लगते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि टिबेटियन मस्टिफ का एक खासियत है कि उन्हें जब लगता है कि उनके मालिक के घर के पास अगर कोई आ रहा है तो शायद उनके मालिक को नुकसान पहुंचाए, उनके घर को नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो एग्रेसिव होके पीछे पीछे दौड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो वैली में एंटर किए उन लोग को माउंटेन और रिवर स्नो और आइस से कवर्ड दिखा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए जो हिल्स था वो सारपर और सारपर होते गया, पतला और पतला होता गया। जैसे ही सबसे ऊंचाई पे वो लोग पहुंचे तो ऑथर परेशान नजर आए क्योंकि वहां पे प्रेशर कम था, और प्रेशर कम होने से आपको पता होगा सांस लेने में दिक्कत होती है। हायर द एल्टीट्यूड लोअर द प्रेशर, और उस समय उन्होंने नोटिस किया कि सी लेवल से 5,210 मीटर ऊपर थे वो लोग। जो पहला हर्डल था जो कि रोड स्नो से कवर्ड था उस हर्डल को उन्होंने पार किया और वहां से आगे बढ़ते गए। चूंकि गाड़ी आगे बढ़ रही थी बावजूद उसके जो ऑथर थे अनइजी फील कर रहे थे क्योंकि जितना हाइट इंक्रीज हो रहा था उतना जो एयर प्रेशर हो रहा था वो डिक्रीज हो रहा था, जो एयर प्रेशर था वो डिक्रीज हो रहा था। दोपहर में 2 बजे के आसपास वो लोग लंच के लिए रुकते हैं, और फाइनली जब खाना वाना खा लेते लंच कर लेते हैं तो वहां से लेट आफ्टरनून में एक छोटे से टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम फोर रहता है। जो ऑथर रहते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उस समय वो चाय की चुस्की भी लेते हैं। उस दौरान जो सेतन रहता है कार को सही करने लगता है क्योंकि इतनी कठिनाई भरी रास्ते से कार को लेके आया है तो जरूर कार में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसको वो फिक्स करने का प्रयास कर रहा है। और जो डेनियल रहता है वो लहसा के लिए निकल जाता है। हॉर में चूंकि ऑथर रुके तो रहते हैं लेकिन वहां का माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगता है, और फाइनली वहां से अपना जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। और उस रात उन्होंने एक गेस्ट हाउस में रहने का प्रबंध किया जो कि एक डार्चेन में था, एक एरिया है जो कि गंदा रहता है। हम लोग देख सकते हैं कि आखिर में जो ऑथर है किस तरीके से कंजेशन में है, और वो भी कारण है हायर एल्टीट्यूड का, क्योंकि जब हाइट इंक्रीज होता है प्रेशर डिक्रीज होता है और
जब आप माउंट कैलाश की बात करें तो वहां पे आप जाएंगे, हाइट ज्यादा होगा सी लेवल से, तो वहां का जो वेदर होगा वो चेंज हो जाएगा, और तो वहां का जो वेदर होता है ठंडा होता है, चिली होता है। वहां पे वो अपने आप को एक तिब्बतियन डॉक्टर से दिखाते हैं और 5 दिन का दवा रिसीव करते हैं। दवा लेने के बाद वो अच्छा फील करते हैं और फिर वो डार्चन में इंजॉय करते हैं, जहां पे वो एक पिलग्रिम से मिल जाते हैं। पिलग्रिम वो होते हैं जो दर्शन करने आए होते हैं, दर्शनार्थी होते हैं, और उस पिलग्रिम का नाम नोरबू रहता है। क्योंकि जो डार्चिन रहता है वहां पे पिलग्रिम्स नहीं होते हैं, और ऑथर थोड़ा सा रिलीफ फील करते हैं और डिसाइड करते हैं कि इनका जो पिलग्रिमेज है उसको ये नोरबू के साथ कंप्लीट करेंगे। और फाइनली वो लोग याक हायर करते हैं और उस पे अपना लगेज रखते हैं, और नोरबू उस याक पे नहीं बैठता है और टेबल के पास कोलैप्स करके गिर जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि नोरबू जो रहता है वो मोटा रहता है और उसका जो टमी होता है वो बड़ा होता है। मतलब कुल मिला के टमी जिसका बड़ा हुआ उसको बैठने में कष्ट होगी, और इसी के वजह से नोरबू कहा कि नहीं, हमारे बस का नहीं है, और अगर हमारे बस का है तो फिर उस याक के बस का नहीं है कि वो मेरा भार उठा सके। इस स्टोरी का जो कंक्लूजन है वो है कि ये जो सिल्क रोड है ना, इसमें ऑथर के जर्नी के बारे में बताया गया है कि जर्नी चाहे कितनी भी कठिन हो, अगर डिटर्मिनेशन है इंसान के अंदर, कितना भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, कितने भी हार्डशिप क्यों ना आए, हम उस कठिनाई से उस परेशानी से पीछे ना हटे, उस कठिनाई उस परेशानी से लड़े, और अगर जब कठिनाई और परेशानियों से और विषम परिस्थितियों से अगर हम लड़ना सीख जाएंगे तो हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और उसी तरीके से जो ऑथर हैं अपना पिलग्रिमेज कंप्लीट कर लेते हैं, जो उनका डिटर्मिनेशन होता है कि उनको माउंट कैलाश पे पहुंचना है, वो माउंट कैलाश पे पहुंच जाते हैं भले उनको कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़ा। और यहाँ पे आपका ये स्टोरी समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल रेट्रो स्टडीज।